आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश में चार चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी पांचवें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के सात चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। पांचवें चरण के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सीएम योगी आज रामनगरी अयोध्या श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे और विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लगातार चुनाव को लेकर, चुनाव के अलग अलग चरणों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भी अयोध्या और श्रावस्ती पहुंचेंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं सीएम के दौरे को लेकर के अयोध्या में? जी बिल्कुल तीसरा, आपको बता दें कि अयोध्या में तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। पांचवें चरण का मतदान है 27 फरवरी को, तो इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 2 बजे रुडौली विधानसभा में जनसभा करेंगे। उसके बाद ये 4 बजे के लगभग ये टेढ़ी बाजार, अयोध्या धाम में टेढ़ी बाजार चौराहा है, वहां से ये निकलेंगे और राम की पैड़ी तक ये रोड शो करेंगे। और आप अगर बात की जाए इनके रोड शो की, तो बीच बीच में स्टॉल लगाए गए हैं, इनके स्वागत के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और वहाँ साधु संत इनसे आकर के मिलेंगे। और अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो ये वहाँ के साधु संत जो हैं मंत्रोच्चारण के साथ में इनका रोड शो चालू होगा। जी जी, अगर बात की जाए तो वहाँ राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। राम मंदिर बनने का फैसला आने के बाद वहाँ पे लोग भाजपा को कितने सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं अयोध्या में? देखिए, अगर बात की जाएगी तो भाजपा की सपोर्ट करने की, तो आप जिस रोड, जिस सड़क से, जिस रोड से मुख्यमंत्री का रोड शो होना है, अगर वहां की बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा गुब्बारे से, भगवा रंग के गुब्बारे से उसको सजाया गया है पूरे रोड शो को, जो कि टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर के और राम पैड़ी तक जाते हैं। जी राघवेंद्र, अगर बात किया जाए वहाँ पे जमीन के मुद्दे भी कई ऐसे रहे हैं, कई जमीनी मुद्दे भी उठे हैं। जब ट्रस्ट के लिए जमीन, राम मंदिर के लिए जमीन फाइनलाइज हुई थी, तो उसको लेकर लोगों में क्या कुछ रोष है? कई ऐसे अलग अलग मुद्दे सामने आए थे, तो उसको लेकर के वहाँ लोगों को क्या कहना है जमीनी मुद्दा, और कितना इफेक्ट कर पाएंगे जमीन के मुद्दे भाजपा सरकार को? देखिए, अगर हाँ, ये मामला आया है, बीच में विपक्ष भी इनके सामने खड़ा हुआ था कि इसको लेकर के इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि यहाँ जो है कुछ ट्रस्ट में जमीन के जमीनी मुद्दे थे। और अगर बात की जाए तो यहाँ जो हवाई अड्डा बन रहा है वहाँ पे लोगों का जो है देखा गया है कि ये मामला जा करके पब्लिक से जुड़ा है, तो इसको लेकर के सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए थे और वो जिला अधिकारी को सौंपा गया था और उनके द्वारा मान मनोवल करवा करके, और जो कि अयोध्या विधायक हैं उनके द्वारा भी मान मनोवल करवा करके, और ये सारी बात जो है खत्म की गई थी। जी राघवेंद्र, अगर बात करें तो अब चुनाव नजदीक ही है अगले चरण की, जिसमें अयोध्या में चुनाव होना है, तो कौन कौन से दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में है और कौन सी पार्टी के दिग्गज ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो पिछले, अगर बात 5 साल की बात करें तो बीजेपी सरकार की यहाँ विधायक रह रहे हैं और पांचों विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में यहाँ पे बीजेपी का न कोई टिकट कटा है किसी भी प्रत्याशी का, जो पहले थे वही अब भी है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे पूर्व में, पिछले पूर्व 5 साल में अभय सिंह का नाम अगर बात की जाए तो गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह है और अयोध्या से तेज नारायण पांडे हैं और मिल्कीपुर से उदेश प्रसाद पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी सरकार में। जी राघवेंद्र, क्या सीएम के साथ साथ कोई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, महेंद्र नाथ त्रिपाठी जो है वो कल ही आ गए थे, कल शाम को इनके जनसभा का जायजा ले रहे थे और उसके बाद इन्होंने जिस रास्ते से इनका रूट तो होना है मुख्यमंत्री का, उस रास्ते का भी जायजा लिया कि किस तरीके की तैयारियां यहां पे की गई हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? देखिए, अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन जो है वो पूरी रूट डाइवर्जन को लेकर के अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले उन्होंने रूट डाइवर्जन किया है, जिस हिसाब से, जिस गली से, जिस रोड से मुख्यमंत्री का रोड शो होना है तो उसको डाइवर्जन किया गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। तो इस जी
जी राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी क्रम में सीएम अयोध्या और श्रावस्ती में दौरे करेंगे। लगातार जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर एक मुद्दा रहा है और लोग राम मंदिर को लेकर के खासा उत्साहित भी रहे हैं, कई नारे भी लगे अयोध्या मंदिर को लेकर के, अयोध्या मंदिर बनाने की वजह से लोग भाजपा के काफी फेवर में भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर ही नहीं, काशी कॉरिडोर हो गया, चाहे वो मथुरा वृंदावन की मंदिरें हो गई, ऐसा कई धार्मिक जगहों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। इसी क्रम में आपको बता दें कि पांचों चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सीएम योगी आज रामनगरी अयोध्या श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे और विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने जैसे आपको एक और भी जानकारी दी कि भाजपा ने किसी का टिकट नहीं काटा है, उन्होंने अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही भरोसा दिखाया है। तो जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी मैदान में मेहनत करती नजर आ रही है, दौरे कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रही है, उसे यही दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनावी मैदान में एक्टिव रही है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसी क्रम में आज सीएम का अयोध्या और श्रावस्ती दौरा होना है, जिसको लेकर के खासा उल्लास लोगों में देखने को मिल रहा है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा राम मंदिर को लेकर के रहा ही रहा है। विपक्षियों ने कई बार उन पर निशाने भी साधे हैं, चाहे वो ट्रस्ट को लेकर के हो, जमीनों को लेकर के हो, लेकिन राम मंदिर बनने में सफल हो गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा था राम मंदिर। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में है और 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल में चुनाव है और अवध पूर्वांचल कई मायनों में खास माना जाता है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें 5वें चरण में है, जिसपे चुनाव होना है। 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी दिग्गज चुनावी मैदान में, अलग अलग पार्टियों के सभी दिग्गज चुनावी मैदान में है। इसी क्रम में सीएम योगी आज रामनगरी अयोध्या श्रावस्ती दौरे पर जाएंगे और विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज, चाहे वो पहले फेज की वोटिंग हो, दूसरे फेज की, तीसरे फेज की हो, किसी भी फेज की चुनावी प्रचार हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज सीएम श्रावस्ती और अयोध्या जाएंगे। 5वें चरण का सियासी संग्राम तेज हो चुका है, जिसको लेकर सीएम रामनगरी अयोध्या और श्रावस्ती में दौरे करेंगे। 27 फरवरी को 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, 5वें चरण का चुनाव है। यूपी में 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं और कहीं ना कहीं अवध और पूर्वांचल कई मायनों में खास माना जाता है। और देखा जाए तो पूर्वांचल में भी और अवध में भी कई अहम मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। जैसे अगर बात किया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपने अलग ही मुद्दे थे, किसानों को लेकर, पलायन को लेकर के। लेकिन अगर बात अवध और पूर्वांचल की जाए तो अवध में भी अपने कई अहम मुद्दे हैं। वहीं सबसे अहम मुद्दा तो रामनगरी अयोध्या से है, राम मंदिर को लेकर के। कहीं ना कहीं राम मंदिर बनना एक सभी अपने इमोशन से जोड़ करके देख रहे हैं। वही राम मंदिर बनने के साथ साथ विपक्ष ने कई और मुद्दों पर भी सवाल उठाए थे। वही जमीन के मामले कई सामने आए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवालिया निशान खड़े किए थे। अगर बात आप पार्टी के संजय सिंह की करें, तो संजय सिंह ने भी जमीन के मुद्दे को लेकर के अयोध्या में जो उठे, तो उस पर कई सवालिया निशान लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पे। इन सभी के बाद अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना अयोध्या में कामयाब हो पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या में काम किया है, उस तरह से देखना तो अब यही होगा कि कितना कुछ कर पाती है। वहीं अधिक जानकारी के लिए संवाददाता श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर सीएम के दौरे को लेकर? 5वें चरण में 27 फरवरी को रात चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसको लेकर के नेता जो है
दौरा कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के यहां तैयारियां हो चुकी हैं। जी, और कौन से नेता या फिर अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और कौन कौन से अधिकारी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं सीएम के दौरे का? देखिए, सीएम के दौरे को लेकर के भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है जी, और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रावस्ती में भारतीय जनता पार्टी का कितना पैड देखने को मिल रहा है प्रदीप? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि इसके पहले यहाँ पे जो है भाजपा की हार हुई थी 2017 में, और यहाँ बसपा के विधायक असलम रानी रहे थे, और श्रावस्ती विधानसभा में वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी रामचरण पांडे विजयी हुए थे। और इस बार देखने वाली बात है कि कौन इस बार में जो है विजयी होता है जी। कितनी देर में सीएम पहुंचने वाले हैं प्रदीप? श्रावस्ती सीएम का कार्यक्रम 1:15 पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पुलिस लाइन मीडिया में पहुंचेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल आरटीओ ऑफिस के पीछे जिला पंचायत मैदान में पहुंचेंगे जी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। प्रदीप, अगर बात की जाए तो सीएम के साथ कोई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे उनके दौरे में? अब जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि सीएम का आगमन हो रहा है, इसके अलावा और किसी की जानकारी नहीं है कि उनके साथ में कौन से नेता आ रहे हैं। अच्छा, प्रदीप, सीएम सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे या फिर उनका रोड शो कोई या फिर डोर टू डोर ऐसा भी कोई कैंपेन है? नहीं, जैसा कि जानकारी मिली है कि सीएम केवल जनसभा करेंगे, इसके बाद में फिर रोड शो की कोई जानकारी नहीं है जी। प्रदीप, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रावस्ती में भी सीएम का दौरा होना है। जिस तरह से लगातार अगले चरण की चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने में लगी हुई हैं, तो वहीं आज सीएम भी अयोध्या और श्रावस्ती में दौरे पर जाएंगे, विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी कर ली गई हैं। वही छठे चरण के 3 मार्च को चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। जिस तरह से लगातार ऐसा हो रहा था कि बसपा पार्टी के महासचिव सतीश चंद मिश्रा ही निकल रहे थे, इसी क्रम में अब मायावती भी जनसभा करना शुरू कर दी है। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। वही आज गृह मंत्री अमित शाह भी दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर 5 विधानसभा सीटों पर जनता को साधने की कोशिश करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी। वहीं एक तरफ जहां बसपा महासचिव सतीश चंद मिश्र ही हर जगह रैलियां कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी क्रम में अब बसपा की मायावती भी पूर्व मुख्यमंत्री दौरे कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। देखना यह होगा कि ऐसे में कितना इफेक्टिव होता है इनका दौरा, कितना ये वोटरों को साधने में कामयाब होती हैं। वहीं एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह भी आज दौरे पर रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विधानसभा सीट हो। जब से चुनाव शुरू हुआ है, कई जगह अमित शाह ने रैलियां की, दौरे किए, डोर टू डोर कैंपेन भी किए। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, तो वहीं 5वें, 4थे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जान झोंकने में लगी हुई हैं, सभी चुनावी मैदान में हैं। राजनीतिक दलों ने लगातार चुनावी मैदान में ताकत झोंकने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा करेंगी, जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर गणित साधने की कोशिश करेंगी।
2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में कई अहम मुद्दे भी हैं। छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी जनसभा नहीं कर रही थी, वहीं सतीश चंद्र मिश्र ही लगातार जनसभाएं कर रहे थे और लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में अब मायावती का भी दौरा है। मायावती सियासी गणित को साधने की कोशिश करेंगी व जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी क्रम में अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह भी लगातार एक्टिव है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत पहले से वह एक्टिव है, चाहे वो कोई भी विधानसभा सीट हो, चाहे चौथे चरण की अगर बात की जाए, चौथे चरण में कई ऐसी हॉट सीट थी, चाहे वो करहल हो जहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके सामने एसपी सिंह थे, तो वहां पे भी गृह मंत्री के दौरे हुए। गृह मंत्री ने काफी बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि 300 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, लेकिन अगर करहल सीट पर ही जीत सबसे बड़ी जीत होगी हमारी। इसी क्रम में आज अमित शाह का छठे चरण के लिए दौरा है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का भी दौरा है। वहीं अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मैदान में है, काफी दिनों से एक्टिव है। गृह मंत्री अमित शाह हो गए, चाहे और बड़े दिग्गज नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभा सीटों को लेकर सभी अपनी अपनी दावपेच में लगे हुए हैं, सभी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सभी वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर, तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश। जनसभा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? रजनीश, अगर बात किया जाए तो उस दो दिग्गजों की जनसभाएं होनी है, क्या कुछ तैयारियां हैं इनके जनसभाओं को लेकर? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी खराबी के कारण। आपको बता दें छठे चरण में 3 मार्च को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अलग अलग जगहों पर जनसभा कर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर सियासी गणित साधने की कोशिश करेंगी। एक तरफ जहां लगातार अभी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने की कोशिश कर रही है, सब अपने अलग अलग मुद्दे, अपने अलग अलग मैनिफेस्टो में दावे और वादे सामने लेकर के आए हैं, अलग अलग लुभावने वादे, अलग अलग नई नई चीजें, नई नई स्कीम, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो, चाहे वो विकास से जुड़ा हो, हर मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जगहों से जनता को साधने में लगी। इसी क्रम में अगर बात किया जाए अवध और पूर्वांचल की, तो अवध और पूर्वांचल कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आज दो दो दिग्गजों की रैलियां हैं, रैलियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? रैलियों में जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जगह जगह पे बैरिकेड चेकिंग की जा रहा है पूरी तरीके से, और ये रैली खासा जो है इस समय बहुत अहम मानी जा रही है बस्ती के लिए, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता जो है अपनी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन सब वोटरों को लुभाने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी जो बस्ती में आ रही है, इनका GIC ग्राउंड में जो कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को दलितों को लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक को रिजर्व करेंगी। वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो वो भी जो है हरैया के नेशनल इंटर कॉलेज में आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को खींचने का काम करेंगे। जी ऋषि, अगर बात किया जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो लगातार ऐसी खबरें आ रही थी क्योंकि जो बसपा के महासचिव है सतीश चंद्र मिश्र, वही जनसभाएं कर रहे थे, वही रैलियां कर रही है, ऐसे में मायावती खुद मैदान में है, तो कितना इफेक्ट होगा और कितनी वो सफल होंगी वहाँ के वोटर्स को साधने में? अगर बात करें सतीश चंद्र मिश्रा जी की, कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण सभा करके ब्राह्मणों के वोट बैंक को जुटाने का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना खासा नाराजगी है क्योंकि जो पिछले चार बार वो भी रहे उसमें भी जो है ब्राह्मणों का जो है काफी शोषण किया गया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण आहत है। तो और रही बात दलित संवर्ग की वोट और पिछड़ा वर्ग की वोटों को जुटाने का काम, तो जिस तरीके से इन्होंने टिकट का बंटवारा किया उसको देखते हुए कुछ स्तर तक जो कुछ हद तक वोट बैंक अपना निकाल पाने में यहाँ सक्षम हो पाएंगे। जी बात अगर आशीष भारतीय जनता पार्टी की जाए तो अमित शाह भी बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं, इस तरह से वहाँ पे वो कितने सफल होंगे वोटर्स को साधने में और क्या कुछ वहाँ के वोटर्स की बातें और नाराजगी सामने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और क्या कुछ ऐसी खुशी या फिर कुछ अच्छी चीजें भारतीय जनता पार्टी की? देखा जाए जी, हम आपको बता जिस तरीके से जाना जाता है कि पूर्वांचल का द्वार जो है बस्ती, अयोध्या से सटा ये बस्ती है, बस्ती माना जाता है, और इधर से लेकर पूरे जो है सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, जो पूर्वांचल में जितने भी जिले पड़ते हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जो वोट बैंक होते हैं सरकार बनाने में काफी हद तक जो है हम भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारे खेमे में ज्यादा से ज्यादा पक्ष में लोग वोट करें ताकि हमारी सरकार बन सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों के जो मन की बात है, हम लोग गांव गांव डोर टू डोर जाके जो है लोगों से बात किया और जानने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी इस सरकार से लोगों की अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से उन वोट बैंक को अमित शाह जो आज रैली में आ रहा है भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने में कितना हद तक सफल होंगे, खैराल ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी सर, सिर्फ ये जनसभा को संबोधित करेंगे, इनका कोई रोड शो या फिर डोर टू डोर कैंपेन भी है अमित शाह का आज? नहीं, वो केवल जनसभा को ही संबोधित करेंगे, चूंकि अमित शाह भी और यहाँ जो है जो बहन मायावती जी का है ये भी केवल दोनों लोग जनसभा ही करेंगे, डोर टू डोर या रोड शो का कार्यक्रम ऐसा कुछ शेड्यूल अभी आया नहीं है। जी, क्या इन दोनों लोगों के साथ कोई अन्य भी, अगर बात गृह मंत्री अमित शाह की जाए तो क्या इनके साथ कोई अन्य भी बड़े नेता मौजूद रहेंगे? फिलहाल बहरहाल अभी तो केवल जानकारी जो यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा यही दी गई है कि जो है केवल गृह मंत्री अमित शाह रहे, हो सकता है संभावित है उनके साथ एक दो बड़े चेहरे जो है बीजेपी के वो लोग भी आ सकते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कौन कौन आता है, फिलहाल ये तो अभी कुछ समय में डिसाइड हो जाएगा। जी अगर बात बसपा सुप्रीमो की करें तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ भी कोई बड़ा चेहरा या फिर कोई अन्य नेता आ रहा है उनके साथ वहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के लिए? मिली जानकारी के अनुसार मायावती जी के साथ जो है सतीश चंद्र भी संभावित है, वो भी आ सकते हैं, ये जानकारी मिली है। कहीं ना कहीं चूंकि उनका आना इसलिए ज्यादातर वो समझा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो है ये बस्ती जो माना जाता है इलाका ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए, मान लीजिए कि ज्यादातर मैक्सिमम इसमें ब्राह्मणों की संख्या है, तो कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणों को वोट बैंक को खींचने के लिए एक चेहरा ब्राह्मण के रूप में लाके हो सकता हो, एक चाहे वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए काम करें। जी अगर बात की जाए तो आज दो दिग्गजों की रैली है, तो ऐसे में कोई रास्ते का डाइवर्जन या आवागमन में कोई ऐसा बाधा तो नहीं आ रही है रजीश, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां है वहाँ के लोकल को लोगों को लेकर कि उनके आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो? जिला प्रशासन देखिए पूरी तरीके से कल से ही मुस्तैद है और जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह पर जो है चेकिंग की जा रही है, और रही बात जाम की समस्या ऐसी ना हो उसके लिए चप्पे चप्पर बिल्कुल पुलिस जो है तैनात है, और रूट डाइवर्जन कर दिया गया है पूरी तरीके से, जहां कार्यक्रम स्थल के 1 किलोमीटर पहले का जो भी रूट है वहां से रूट डाइवर्जन करके जो है एक अलग रास्ते से सबको निकाला जा रहा है ताकि किसी को जाम की समस्या से दो चार ना होना पड़े। जी आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजीश, आपका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह दोनों दिग्गजों को लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है और किस तरह से दोनों दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों का चुनावी प्रचार करेंगे और जनसभा को साधने की कोशिश करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव 4 चरण बीतने के बाद और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।